नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित होगी और एक मैसेज देगी ये फिल्म। भोजपुरी फिल्म होने के बावजूद ये कि मैसेज देगी, आज भोजपुरी फिल्म में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन ये फिल्म एक मैसेज देगी। पहले अपने पूरे भोजपुरी समाज के प्रणाम। हम गोविंद सा जनवा, जो कि मैं अपने विश्वनाथ फिल्म हाउस के बैनर तले बना रहा हूँ फिल्म को, जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं कि बर्मा शंकी आशिक। और ये हमारी जो फिल्म है, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी मोदी जी निकाले हैं स्वच्छ भारत के अभियान, तो हम लोगों के दिमाग के स्वच्छता के लिए इसमें एक एजेंडा है इसमें। और जो देख रहे हैं आप लोग बीच पे, तमाम अभी लड़कियां लोग देखते हैं आप ड्रिंक करती हैं और सीक्रेट कॉलेज में निकलती हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ सबसे ऑडियंस से, मेरा निवेदन है आज के जो जनरेशन है कि हर चीज मीडिया और हर चीज पुलिस प्रशासन, हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। आप लोग भी कुछ इसके लिए आप लोग आगे आओ, इसको रोको आप लोग। इससे क्या होता है, दिमाग में वायरस फैलता है तो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, एक अच्छी सामाजिक फिल्म है, आप लोग देखेंगे इसको और आप लोग सब प्यार देंगे हमारे पूरे टीम को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा महानगर के एडिटर साहब को कि जो हमारे पूजा में आए और आशीर्वाद दिए। आए राज सब, अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रही है और स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद फिर बहुत सारे चेंजेस हैं, तो है सब मार्केट की है, मार्केट के नियम सबको लेकर चल रहे हैं। बात कीजिए फिल्म में गाने कितने होंगे? और गाने सर 8 गाने हैं। बाकी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म की हीरोइन कौन सी होगी और हीरो कौन सी? फिल्म का टीम तो हम लोग अभी तो क्या है, आज मुहूर्त हुई, अभी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं हंस लोग की, वो गाने बनाएंगे और बाकी के सारे टीम अभी इकट्ठा करेंगे सारे धीरे धीरे। तो अभी मुहूर्त के बाद फिर स्क्रिप्ट पे चलेगी, क्योंकि हम लोग एक दो महीने से गोविंद सजनवा जी जो हैं हमारे प्रोड्यूसर, इनके साथ हमारी मीटिंग चल रही थी, तो जाके आज जाके हमने नारियल पूरा मुहूर्त हुआ। टाइटल पे दो लाइन बोलना चाहूंगा, सनकी आसिक है, बलमा सनकी आसिक, लेकिन बलमा को अगर हटाया जाए तो सनकी आसिक पाते हैं। सनकी आसिक दो तरह के होते हैं, एक सनकी आसिक वो होता है कि जो अपने परिवार की या अपने माँ बाप की या किसी की परवाह किए बगैर एक किसी खास वस्तु के लिए पागल हो जाता है, चाहे वो लड़की है या जो भी है। लेकिन इसमें जो है, जो आसिक है वो कुछ अजीब तरह का आसिक है कि जिसको पूरे समाज से पड़ी है। के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये बहुत मेहनत करते हैं, चाहे स्टार कास्ट छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा स्टार कास्ट हो तो भी उतना ही मेहनत करते हैं, छोटे पे भी उतना ही फेद करते हैं, उतना ही प्यार से काम निकलवाना इनको आता है, हर सब्जेक्ट को बहुत संजीदगी से काम करते हैं। और आज तो जो है एक छोटी सी मुहूर्त है इस फिल्म का, और इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी पूरी स्टोरी सुना नहीं है। रतन जी ने थोड़ा सा एक वन लाइन सुनाया है, बाकी जो है स्टोरी के बारे में हमारे जो है राइटर और साहब और जो है हमारे डायरेक्टर साहब हैं, तो ये दोनों बताएंगे आप लोगों को। मतलब इससे पहले भी एक हमारी जो फिल्म आ रही है बलमा डेरिंग बाज, तो फुल फ्लैश हीरो आ रहा हूँ एज अ निगेटिव, तो मैंने बहुत सारी फिल्में की, आई थिंक 100 से ज़्यादा हो गई होंगी। तो बलमा डेरिंग बाज आ रही है, मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आ जाएगी सिनेमाघरों में, और इसके ट्रेलर और गाने यूट्यूब पे आ चुके हैं,
उसने पॉजिटिव भी अच्छा किया, नेगेटिव भी अच्छा किया, कॉमेडी भी अच्छा किया, कुछ भी कर लेता तो दैट्स एन एक्टर। एक्टर वो होता है जो सब कुछ कर ले एज ए स्मार्ट विलेन। और क्या चीज अच्छा लगा इनके अंदर? इनके अंदर तो बता नहीं सकती क्या अच्छा लगा। मैं जो भी काम किए मतलब बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल, क्योंकि इनका बता नहीं सकती, इसी नहीं बता सकती, वो आप देख सकते हैं। आपको कहना चाहूंगी, और मेरा नाम है सपना पटेल, और इस संकी आसिक फिल्म में मैं अपना लीड कैरेक्टर कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त ने मुझे इस फिल्म के लिए मुझे कहा कि मैडम प्लीज आप तो मेरी फिल्म में लीड करो, कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी भोजपुरी में मेरी पहली फिल्म है ये, बाकी मैंने एल्बम्स वगैरह बहुत किया, जस्ट मैंने अभी हिंदी फिल्म किया, पर ये मेरी पहली फिल्म है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।